दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था कि सर हम पहले SIP को कैंसिल कर लें या फिर हम रिडीम कर लें। अब दोस्तों दोनों जो भी कन्फ्यूजन है दोनों का ना, वो आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग SIP को कैंसिल करना चाहते हैं या फिर रिडीम करना चाहते हैं तो उसका दोस्तों वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है और ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों आप सभी देख पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक सवाल उठ गया कि सर पहले हम SIP को कैंसिल कर लें या फिर पहले रिडीम कर लें। अब दोस्तों दोनों चीज़ों को पहले एक बार समझ लेते हैं दोनों चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो SIP का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप लोग एक डेट फिक्स करते हैं, उस डेट को दोस्तों आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होके पैसा जो भी 1000 रुपये 500 रुपये जो भी आप सेलेक्ट कर रखे होंगे वो पैसा दोस्तों ऑटो डेबिट होके आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में जो भी स्कीम आपने सेलेक्ट कर रखी होगी उसमें चला जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है SIP का काम। दूसरा दोस्तों होता है रिडीम। रिडीम का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में जो भी पैसा आपने जमा कर रखा है, जो भी उसमें बैलेंस है, उस बैलेंस में से अगर आप चाहते हैं पूरा बैलेंस तो पूरा बैलेंस रिडीम कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कुछ पैसा रिडीम करना तो कुछ पैसा भी दोस्तों आप उसमें से रिडीम कर सकते हैं। ये होता है रिडीम का काम। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि पहले मतलब कैंसिल करना चाहिए SIP को या पहले रिडीम करना चाहिए। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आपको समझ में आ जाएगा। आप दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं, ठीक है। पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी जो SIP है वो अगले 10 तारीख को कटने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिडीम आप चाहे जब कर लें, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में आज के बाद मतलब उसमें पैसा ना कटे, आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होकर पैसा आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में ना जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 10 तारीख के पहले ही आपको SIP को कैंसिल कर देना है, ठीक है। अगर 10 तारीख से पहले आप कैंसिल नहीं करते हैं तो दोस्तों 10 तारीख को आपका जो पैसा है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात दोस्तों रिडीम की, मान लीजिए सपोज आपने SIP को कैंसिल कर दिया और तो दोस्तों आने वाली 10 तारीख है जो उस डेट को दोस्तों आपका जो पैसा है वो नहीं कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आप रिडीम भी कर सकते हैं, रिडीम या पहले भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है दोस्तों, जो डेट आने वाली है उस डेट से पहले आप अगर आप SIP को कैंसिल कर लेते हैं तो आपका पैसा नहीं कटेगा। सपोज़ आप कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कैंसिल नहीं करते हैं और आप रिडीम कर लेते हैं, सारा जो भी पैसा है आपके स्कीम में वो सारा पैसा आप रिडीम कर लेते हैं, जो कि 4 से 5 दिन लग जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में आने में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो पैसा है फिर से मतलब कट के उसी स्कीम में फिर से चला जाएगा, अब आपको फिर से रिडीम करना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों आप नहीं चाहते कि आपके अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट हो जाए तो इसके लिए दोस्तों आपको 10 तारीख से पहले जो कि मैंने एग्जांपल लिया है उससे पहले दोस्तों आपको अपना जो भी SIP है उसको कैंसिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप रिडीम कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पैसा कट गया तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में शो होने में, और उसके बाद वहाँ से आने में भी 4 से 5 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि आपको पहले क्या करना है, पहले कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने रिडीम किया उसके बाद SIP को कैंसिल कर दिया, समाप्त, ठीक है। तो अभी भी अगर दोस्तों आपके पास कन्फ्यूजन कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, चाहे SIP को कैंसिल कर लें या फिर रिडीम कर लें, या ये दोनों साथ में कर सकते हैं, पहले SIP को कैंसिल कर लें फिर रिडीम कर लें। इसका दोनों का कुछ मैच नहीं है कि दोनों का कुछ फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, कोई मैच नहीं है। बस वो अपना सिस्टमेटिक ऑटो डेबिट वाला सिस्टम हट जाएगा और ये रिडीम का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों अभी अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया हो SIP को लेकर या रिडीम को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ।